आज का एंट्री पास। और आज मैंने लगाया है 9 बंदे कठुआ में, 15 में से 9 बंदे मेरे आज काम कर रहे हैं मेरे अंडर, जे के एस एस पी के एग्ज़ाम में। और ये काम मैं, और हम आज जा रहे हैं जे के एस एस पी के एग्ज़ाम में ड्यूटी करने के लिए। और हालत इसलिए ख़राब है क्योंकि पूरा 10 दिन हो गया है, कोई करीब करीब टाइम नहीं मिल रहा है बिल्कुल। मैंने पहले कभी नहीं बताया, ये काम करते भी मुझे 6 साल हो गए। जितने भी जे के एस एस बी के एग्ज़ाम होते हैं हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उनमें से कुछ सेंटर जो होते हैं मेरे पास होते हैं, मतलब बंदे हायर करने पड़ते हैं मुझे, और बंदे सारे हायर करके वहाँ पर टाइम पर पहुँचाने पड़ते हैं। जैसे कि कई बार 30 बंदे होते हैं, कई बार 15 बंदे होते हैं, कई बार मतलब जितने भी होते हैं, जितना मुझे पीछे से गाइडलाइन मिलती है मैं उतने बंदे हायर करके लगवा देता हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं फिलहाल बसोली से 4 बंदे मेरे पास, और बाकी कठुआ से। बाकी मैं आपको उधर एक क्लिप दिखाऊंगा बीच में, तो आप देखना फिर कैसे काम होता है मेरा वहाँ पे। कठुआ मैं एंटर कर चुका हूँ लखनपुर में, बस 8 बजे की टाइमिंग थी पहुँचने वालों में, फिर यहाँ से जल्दी से निकलना है। कॉलेज राजन दे बंदे मेरे आगे पिछे ने, सारे सारे करते हेलो आयो, अपने अपने लिंक के सब्सक्राइबर तो रखे सारे। चलो फिर मिलते हैं, पेपर से ड्यूटी है जिस, जल्दी 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 पहुंच के फिर करते हैं वहाँ पे थोड़ा सा शूट। अभी इस बार तो मैंने इनको चाय भी नहीं पिलाई, झूठ क्यों बोलना यार, क्योंकि लेट हो गए थे हम। बाकी अभी जल्दी जल्दी वहाँ पे जाके सारा सिस्टम सेटअप, शाम को अफगानी, अफगानी क्या चीज़ है अफगानी, चलो देखते हैं भाई शाम का, शाम का फिर शाम को करते हैं जो कुछ करना है। ठीक है भाई, स्मार्ट बड़े लगाने यार, नहीं यार सारे सच सच सुना, बिल्कुल सुन लगे, मैं तो नहीं आया अच्छा, तू मुँह तो ही आ रहे सारे। तो फाइनली शिदी चौक में पहुंच गया, शिदी चौक ही है ना, फिल्टर मेरा बड़ा अच्छा है यार, काम करता है ना। पहुंचने वाले हैं अभी, दिल जी का टूट रहा, अरे हट जा चाचू पाछे ने। इस लोकेशन को कौन कौन जानता है कठुआ में, जल्दी से जल्दी से। चलो ये देखो लोकेशन, और ये आ गया अपना मून लाइट। कौन कौन आता है यहाँ पे अपने अपने बंदियाँ लेके, सच बताओ। मैं नहीं आया, हम कभी नहीं आए। अभी हम यहाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे, ट्रेजरी में होते हैं एग्ज़ाम वगैरह सारे इधर। तो अभी हम यहाँ पे पहुंच गए, तो देखो सारे फोटोग्राफर भाई आ रहे हैं, सबसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगा आपको, ठीक है। और अपने अपने देखो असले सारे लोड कर रहे हैं, मैंने भी कर लिया। सारा ही काम ख़त्म कर दिया, मतलब जितने भी फोटोग्राफर थे सारे मैंने भेज दिए, लेकिन एक ने प्रॉब्लम कर दी, मतलब एक बंदा मैंने करा था बट वो लेट पहुँचा, ऊपर से उसने कैमरा लाया वो भी मतलब ख़राब सा, और मुझे इतनी थोड़ा सा सभी ऑफिसर बोल रहे थे जैसे एडीसी वगैरह कि पंकज क्या कर रहा है, कहाँ है तेरे कैमरा मैन, ये वो। तो फिर आ जाके फिर करा सारा कुछ सिस्टम सेट, भगवान की मेहर से सब कुछ ओके हो गया। वैसे अपना सारा काम ख़त्म करके तो गाड़ी मैंने अंदर ही पार्क करी है, और अभी 1 बजे वापस आना है, तो मैंने सब तब तक सोचा कुछ खा लेता हूँ, तो अभी निकला हूँ मैं बाइक के साथ, गाड़ी इधर ही रखी हुई। तो अभी मैं आया था राजू स्वीट शॉप के पास, यहाँ पे मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिया और खा के बहन के पास जा रहा हूँ। पहुँच गया अपने रूम में भाई, खाना वाना हो गया, बारी अभी चाय की, फिर करनी है रेस्ट। 12:30 बजे वापस वहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि एग्ज़ाम होके वहाँ पे पहुँचना है, और पैकिंग की छूट जो भी है वो करना है।
एक तो देखो हालत कितनी हुई है, ख़राब हो गई यार, टाइम नहीं मिल रहा। 10 दिन हो गए भाई, कम से कम 10 दिन हो गए लगातार काम काम काम, बुरी हालत है। सीज़न ऑफ हो गया, अब भी जाके कहीं थोड़ा सा आराम मिलेगा तो कल थोड़ी सी शक्ल सुधारेंगे अपनी। ये मेरा आज का एंट्री पास, और आज मैंने लगाया है 9 बंदे कठुआ में, 15 में से 9 बंदे मेरे आज काम कर रहे हैं मेरे अंडर, जो कि SSB के एग्ज़ाम है। और ये काम मैं पिछले 5-6 सालों से कर रहा हूँ कठुआ में। ये रिक्शा की सवारी कर रहा हूँ, अभी वापस जा रहा हूँ। रास्ते में मैंने डिस्पोजल लिए बोर्ड सेल में, रेट भी बताऊँगा वरना मेरे पीछे मर जाओगे। तो कैंटीन के लिए लिया मैंने ये पैकेट, जो कि मुझे बसोली में 40-50 रुपए का मिलता है एक पैकेट, बट मुझे बड़ा ही सस्ता मिला, बताऊंगा नहीं आपको क्योंकि आप आ जाओगे फिर लेने के लिए। वैसे बता दूँ मुझे ये पैकेट पड़ा है 15 का, सीधी सी कितनी प्रॉफिट करता है यार बसोली वाले। चलो वैसे उन्होंने भी करना है, ठीक है ना, मैं सोच रहा हूँ यही बिजनेस खोल लूँ डिस्पोजल का बसोली में। घूम रहे हैं भाई और जा रहा हूँ, इसको गाड़ी में रखूँगा अपनी, फिर दोबारा से शूट वगैरह कंप्लीट करके फिर निकलना है घर के लिए, तो फिर बताना आज का ब्लॉग। अभी पहुँच गया हूँ मैं भाई मेन कठुआ, अच्छा जल्दी जल्दी से बताओ कि GDC कठुआ में कौन कौन पड़ा है भाई, जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं बता दो और वीडियो लाइक कर दो फिर, अगर कोई पढ़ा है सच्चे अपने कॉलेज में। जल्दबाजी में काम हुआ मेरे से, कैमरा निकाला मैंने और गाड़ी की चाबी मैंने अंदर ही छोड़ दी गाड़ी के। ये शुक्र मनाओ कि अभी टाइम है पेपर आने में, 2-3 घंटे लग जाने हैं, 4 घंटे लग जाने, तो मैंने मतलब दूसरी चाबी घर से मंगवा ली है गाड़ी से। लेकिन ऐसे मैं दोनों चाबियाँ कैरी करता हूँ, एक मतलब अपने पास में रखता हूँ, लेकिन वो मेरे मतलब स्पोर्ट बाइक के साथ रही थी चाबी, कल मैंने उसको दी थी कि एक दूर रख अपने पास, और जब मैं मॉर्निंग में आया वो आया नहीं मेरे साथ, एक चाबी उसके पास ही रही और एक मैं लेके आ गया। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, जब भी मैं कभी एक चाबी लेके कहीं निकलता हूँ, क्योंकि टेंशन रहती है ना, प्रेशर रहता है काम का, तो जल्दबाजी में कैमरे कुमरे निकालते हैं हम, तो प्रेशर रहता है कई बार, मतलब क्या होता है कि बंदा क्या करता है सीट पे फेंक देता है जल्दी जल्दी से, वहीं से गलती हो जाती है। अभी सीट पे पड़ी हुई है चाबी, दिखाऊँ आपको। वो देखो की अंदर पड़ी हुई है, दिखाई दे रही है बैग के साथ में पड़ी हुई है, मोए मोए हो गया इधर भी भाई। कोई 2:30 बजे के फ्री हुआ है, 5:30 हो गए यहाँ पे, किस चक्कर में चाबी अंदर रह गई थी, बसोली से चाबी आई है गाड़ी में और फिर मंगवाई और भाई गया लेने के लिए, अभी गाड़ी में चाबी लेके आया, अभी दूसरी चाबी ये रही, अभी शाम की ट्रीट मिली ना, देखो जो जूस इनको मैंने ना सुबह दिए थे कि पी लेना, इन्होंने अभी बीच में रखे थे गाड़ी में, मेरी क्या गलती है भाई। और एक बंदे ने यार बड़ा खपाया, सच्ची बोल रहा हूँ कि मतलब एक फ़ोटोग्राफर आया था मेरा भाई, पहले तो उसका कैमरा ख़राब, मेमोरी कार्ड ख़राब, और पीछे से मुझे ADC साहब पीछे से प्रेशर देके रख रहे थे कि नहीं ये करो वो करो, तो उसी चक्कर में चाबी मैंने जल्दी जल्दी में अंदर छोड़ दी, क्योंकि मैं बीच में से सामान निकाल रहा था। चलो कोई ना, अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो फिर बताओ आपको कैसी लगी हमारी मेहनत। किसको पीछे पौधा भी है, पौधा है कोई ना, उसको तेरा भोला है भंडारी, बाय बाय भ्रावा। बड़ा इस बार तो बड़ा रगड़ा लगा, 2-3 घंटे अपनी वजह से लगा, किसी की वजह से नहीं, बट अच्छा ट्रिप रहा, यादगार ट्रिप रहा। पीछे फोन पे फोन, ये गाड़ी किसकी है भाई? हाँ भाई क्या चक्कर है सर, हम भी हैं। ये लो वैसे भाई गाड़ी कर रहा है कुछ, टिक टिक, ये ले
आप गाड़ी में ऐसे कर रहे हो तो मैंने सोचा चलो पार्किंग दे रहा हूँ उसको पार्किंग के लिए। हाँ चल बैठ 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 गाड़ी में लेट हो रहा हूँ। चला तेरी कुल्ली पा जाएगी इसकी 5 रुपए पल्ले से डाल गए थोड़ा सा। पार्किंग का 10 लगता है 5 नहीं लगता। पार्किंग का थोड़ी ना दे रहा हूँ जो तू अपने लिप्स ठंडे करने के लिए लगाता है क्या बोलते हैं उसको कुल्ली। नहीं यार मेरा भाई इतना शरीफ है ना कि पूछो मत आप पूछना मत बस यही बोल रहा मैंने। हाँ तो अभी जा रहे हैं हम घर के लिए से निकल के तो फिर चलो ठीक है फिर निकलते हैं। बाय बाय टेक केयर मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में किसी नई पसूड़ी के साथ। चलते चलते कर दो वीडियो लाइक शेयर कमेंट और प्रवाह टीवी वीडियो दो दो चार चार लाइक मार रखा करो कट्ठे कट्ठे ठीक है। ओके सर ओके।